अभिनेत्री समाथा रुथ प्रभु ने फिल्म इंडस्ट्री के में 12 वर्ष पूरा करने पर अपने प्रशंसकों को धन्यवाद कहा है कि एक्ट्रेस ने कहा इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा लाइटस कैमरा एक्शन और अतुलनीय पलों के इर्द गिर्द घूमती 12 सालों की यादें उम्मीद है कि सिनेमा के साथ मेरी प्रेम कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अभिनेत्री अवनीत कौर ने अपने और टीकू वेडसेरु के को एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बीच 27 साल के अंतर पर कहा कि वह पुरुष और महिला कलाकारों के बीच उम्र के अंतर को समस्या के रूप में नहीं देखती हैं। बकौल अवनीत ऐसा पहले हुआ है लेकिन कलाकारों के प्रदर्शन की सराहना की गई है। ऐसी कई जोड़ियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। अभिनेत्री विद्युत जमवाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह -8 डिग्री तापमान में बर्फ में जमी झील में डुबकी लगाते दिख रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा अगर कोई आपके दिमाग आपको बताता हूँ कि यह मुश्किल है तो विचार आता है यह आसान है इसे करो। एक्ट्रेस ने अपने इस अनुभव को पुनर्जन्म बताया है। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में आलिया भट्ट की फिल्म गुंगूबाई काठीवालिया की तारीफ की है। बगैर फिल्म का नाम लिए उन्होंने कहा कभी नहीं सोचा था कि मूवी माफिया इस हद तक बढ़ जाएगा और कुछ अच्छा करेगा। अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए। मैं बेस्ट की उम्मीद कर रही हूँ। फिल्म मेकर बोनी कपूर और दिवंगत अभिनेत्रा श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है। बोनी कपूर ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि खुशी को एक्टिंग में काफ़ी दिलचस्पी है और वो अप्रैल में शूटिंग शुरू करेगी। पहले खबर थी कि जोया एक्टर की आगामी फिल्म में यह डेब्यू करेगी। फिल्म मेकर तिगमासु धूलिया ने कहा कि ओटीटी स्पेस अपने जैसे फिल्म निर्माताओं के लिए एक बेहतरीन गेम चेंजर है। उन्होंने कहा मैंने बड़े सितारों के साथ बहुत कम काम किया है और ओटीटी पर आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती कि यही वजह है कि आप गुणवत्ता वाले काम पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अभिनेत्रा जैकी श्रॉफ की बेटी और टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने कहा कि 15 वर्ष की उम्र में वह ओवरवेट हो गई थी और उन्हें काफ़ी नकारात्मक बातें सुननी पड़ी। बकौल कृष्णा बाहरी आवाज़ें मुझे और मेरी सोच को प्रभावित कर रही थी। पिता के साथ बाहर निकलने पर मीडिया और पेपराजी द्वारा तस्वीरें डाल दी जाती थी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।